किसी भी टिकट से संबंधित मामलों पे बोलना व्यर्थ है क्योंकि कुछ भी तय नहीं है। सारी चर्चा प्राथमिक रूप की चलती रहती है, वो भी असली में है कि नहीं, क्योंकि अंदर मीटिंग में कोई बैठता है, बाहर चर्चा कोई करता है। तो जब इसके बारे में निर्णय होगा तो सबसे पहले इसकी जानकारी पत्रकार भाइयों को दी जाएगी। तो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को दोष दे नहीं सकते क्योंकि वो तो बेचारे हेलीकॉप्टर में ही घूमते हैं। इतनी खराब हालत सड़कों की मैंने शायद ही किसी प्रदेश में देखी हो। पर खैर, लोग कहते हैं कि इस बारे में तो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को दोष दे नहीं सकते क्योंकि वो तो बेचारे हेलीकॉप्टर में ही घूमते हैं। आज भी मैं चाहता हूं कि हमारा कांग्रेस अध्यक्ष हमारे राहुल जी बने। देश में अगर आप कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से पूछो तो 99.9999% कहेगा कि मैं चाहता हूं कि राहुल जी बने। यहां बैठे सभी से पूछो, पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार भी प्रेस के माध्यम से उन्होंने जनता से जनता के जुड़े हुए प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास नहीं किया। या किसी, आजकल हम देख रहे हैं कि सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कर रही है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो। सरकार की कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को मजबूत करने में, ताकत देने में और ज़्यादा रईस करने में लगी है। और जबकि हालात देश के ऐसे हैं कि कोई भी सरकार की सफलता बिलो पॉवर्टी लाइन से लोगों को ऊपर उठाने की होती है, लेकिन इस सरकार ने तो मध्यम वर्ग मिडिल क्लास को भी बिलो पॉवर्टी लाइन ढकेल दिया। एक स्ट्रेटजी के तहत जो है चुनाव के कैंपेन में एक एक मुद्दा हमारा राज्य का नेतृत्व उचित समय पे एक्सपोज करेगा। तो उस वक्त जो है ये सारी बातें, कुछ बातें तो एक्सपोज हो चुकी हैं लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो हमारे पिटारे में अभी भी हैं, उसको हम समय पे निश्चित रूप से करेंगे क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जनता के प्रति जवाबदेही है। आज लाखों करोड़ों रुपया हिमाचल के जनता के ऊपर जो आज लोन लिया गया वो आखिर हर नागरिक का एक बोझा है। और वो ये हालात ऐसे क्यों बने, क्या फिजूल खर्ची हुई, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, इसका जवाब देना पड़ेगा। कि पिछली बार हमारे विधानसभा के अधिवेशन के दरमियान ही हमारे जो विपक्ष के नेता हैं भाई मुकेश अग्निहोत्री जी, उसने सरकार के फिजूल खर्ची का चिट्ठा पढ़ा था और कारों पे भी कितना लाखों रुपया खर्चा कर दिया फिजूल का, और बाकी चीज़ों में भी खर्चा कर दिया। तो ये कहना, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने कहना किया था, ये कहना जो है अपने ऊपर किए गए सवाल को डिफ्लेक्ट करना है। आज सवाल ये बनता है कि आप सरकार में हो, आपको मैंडेट मिला है, आपने पैसे का मिसयूटिलाइजेशन किया है, आपने लोन लिया है, आप जनता का पैसा बकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए लगा रहे हैं। दो बातें, मैं पिछले 40 साल से जो है कांग्रेस संगठन से जुड़ा हूँ। दो तीन बातें, आप पत्रकार लोग जानते हो अच्छे से कि जिसकी जड़ मजबूत है, जिसका आइडियोलॉजी में विश्वास है, वो अच्छे बुरे समय में पार्टी के आइडियोलॉजी से जुड़ा रहता है, कमिटेड रहता है। जो किसी अमिश में, मतलब किसी लालच में आता है, या किसी, आजकल हम देख रहे हैं कि सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कर रही है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो।